आज हिंदी दिवस पर हिंदी से ही जुड़े कुछ किस्से साझा करने आए और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे लगे। हिंदी जो कि हमारी मातृभाषा है, बचपन से आज तक हिंदी ने मेरे हुनर को बखूबी तराशा है। जब कभी भी दर्द हुआ, जब कभी भी भूख लगी, अपनी माँ भाषा में ही तो माँ को बताया था। हर भाई मेरी दादी और नानी को कहाँ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आती थी, अपनी हिंदी में ही तो कहानियां सुनाकर मेरा दिल बहलाया था। सोचती हूँ जाने अनजाने हिंदी ने मुझे क्या कुछ सिखाया है। जो दिल में होता था झट कह जाती थी, हालांकि स्कूल में तो सिर्फ इंग्लिश ही अलाउड थी, कि मैं अपनी हिंदी के बिना कहाँ रह पाती थी। यही सोच सोच के अब इमोशनल हो जाती हूँ, ना जाने फिर इससे अब क्यों इतना दूर जाना चाहती हूँ। तभी मेरे दिल से धीमे से एक आवाज आती है और मुझे होले से समझाती है, देख जिस सोसाइटी और देश में तू रहती है वहां हिंदी बोल बोलकर कामयाबी हाथ नहीं आती है, इंग्लिश में कमजोर है तू, तभी तो तुझे जॉब नहीं मिल पाती है। और वो देखा नहीं, चिंटू की मम्मी मोहल्ले की सारी औरतों के बीच में सर उठाकर बताती है, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ता है मेरा चिंटू, तभी तो उसको हिंदी नहीं आती है। अब चिंटू को हिंदी ना आना उसकी माँ के लिए प्राउड की बात बन जाती है। और वो अपनी गली वाले मनीष जी इतने सालों से प्रमोशन नहीं पाए, अंग्रेजी में वो भी कमजोर है, इसीलिए बात सीनियर ऑफिसर से नहीं कर पाए। अब अपने मिस्टर कौशिक जी को ही देख लो, बड़ी बड़ी पार्टीज में कभी अपनी पत्नी को नहीं ले जाते हैं, क्योंकि वो बेचारी उनकी बॉस को इंग्लिश में हेलो हाय नहीं कर पाती। दूसरी तरफ हमारी मिसेस शर्मा जी जो अब तक फेसबुक को चेहरे की किसी किताब जैसा कुछ समझती थी, आजकल गुड मॉर्निंग जी कहकर ही शर्मा जी को उठाती है और हमारे आगे से हाउज यू मिस कहकर निकल जाती है। अरे आजकल स्पीकिंग क्लासेस जो ले रही है ऑनलाइन, अपने आसपास लोगों को बदलता देखकर ही तो मैं खुद को बदलती हूँ। और जी मानो या ना मानो, मैं भी अपने मोहल्ले में कूल लगती हूँ, अपने रिश्तेदारों को इंग्लिश में ही ग्रीट करती हूँ, चीनी को शुगर, फर्श को फ्लोर, नींबू पानी को लेमनेट कहा करती हूँ। हाँ खुद से हर रोज थोड़ा बहुत अनजान बन जाती हूँ, जो दिल में होता है वो कहाँ किसी से साझा कर पाती हूँ। और जी जाने दो, मुझे क्या लगता है थोड़ा बहुत इंग्लिश में किटपिट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ तो अच्छे भले पढ़े लिखे इंसान को भी सिर्फ अंग्रेजी ना आने पर अनपढ़ गवार कहा जाता है। यहाँ पैसा, इज्जत, शोहरत, कामयाबी, बुद्धिमानी, ज्ञान, सबको विदेशी भाषा अंग्रेजी के आने और ना आने के पैमाने पर ही मापा जाता है। फिर हिंदी इज आर नेशनल लैंग्वेज, ये वाला फंडा कुछ समझ नहीं आता है। और जी बिल्कुल समझ नहीं आता है। ये तो थी हर भारतीय की कहानी, हर आम भारतीय की कहानी, लेकिन मैं आपसे बस एक ही गुजारिश करना चाहूंगी कि इंग्लिश ही क्यों, देश विदेश की तमाम भाषाएं सीखिए खुद को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन अपनी भाषा के लिए इज्जत, सम्मान और प्यार अपने दिल में सबसे ऊंचा रखिए। आसमानों की ऊंचाइयों को तो छुइए, आसमान में उड़ने के ख्वाब तो देखिए, लेकिन पांव हमेशा जमीन पे रखिए, ताकि जब कभी भी आप जमीन पर वापस आए तो आपके स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।